जय हिंद माते। हम बार बार कहे हैं, जे आप लोग तो हैं, आप लोग का सबका रसीद रसीद है। अब अच्छा इसमें है रीजनिंग है, अच्छा चीज है, लेकिन हर जगह नहीं लगाना चाहिए। ये आजकल मोबाइल से एडिट कर लेता है नाम, अब व्हाट्सएप पे दिखा देता है कि ये मेरा ही है, तो यहाँ तो चेक हो जाता है। अब रूम नंबर 6 में बताओ स्वागत के लिए चला गया है, तो ये हमको भी अच्छा नहीं लगेगा। बस इतना जाने उनका स्वागत मेरे जाने से पहले हो गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अगर हम चले गए तो स्वागत नहीं होने देंगे। अभी कैसे चले जाएं? चले ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसलिए ये सब काम नहीं करना है। और इन लोग को भी कह दिए हैं कल आप लोग एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि बोला जा, देखिए हमको बोला जाता है ना जी, आप लोगों को कुछ नहीं, आप लोगों को रोक दिया गया। बाद में कहता है मनीष सर, मतलब आपका लड़का ऐसे ऐसे कर रहा है, अब हम क्या बोलेंगे, नहीं बोलते हैं कुछ, थोड़ा सा इज्जत पे पड़ जाता है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसमें कौन लड़के भी इधर से आई थी, तुम लोगों को इस साइड से आना है, जो भी आए आप लोग इस साइड से आइए, इस साइड से मत इन करिएगा। आप लोग उतरना भी इधर से, आना भी इधर से। कहाँ, रुको मोबाइल लाओ। ये क्लास लगा के वीडियो कॉल में चले जाते हैं, सुनने में आया है हमको। हाँ तो मोबाइल यहाँ रख के जाना है। चलिए हाँ ठीक है, जाइएगा तो मोबाइल यहाँ रखना तब जाना है। हाँ बहुत तेज है रीजनिंग में मेरी रीजनिंग। चलिए एनालॉगी जो है सुनिएगा, आज जो नया चैप्टर करेंगे हम लोग एनालॉगी और क्लासिफिकेशन, कल बताए थे, कल चर्चा किए थे, अब बोल देंगे, अब फोन करके बोल देंगे मैसेज में, नहीं जाने दे रहा रे। दिक्कत है, खैर हाँ चलिए। हाँ अब हाँ मैसेज आ रहा होगा, सही बात है, नहीं उसका भी उपाय है, अभी चाहेंगे तो लड़ाई लगा देंगे, हम अपने नंबर से उन पर कॉल करके इंगेज कर देंगे। अब उधर से फोन आएगा तो बीजी बता रहा था, ये एक घंटा में हालत खराब हो जाएगा। हाँ 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 कर दे, लेकिन उसके बाद समझाया, देखिए लड़का लोग को समझाया जाता है, उसको लड़की लोग समझती नहीं है। अब प्लस हम भी कह देंगे कहाँ बात कर रहे हो, अगर क्लास व्लास करती होंगी तो सुन ले, 3-4 को है नेटवर्क। हाँ गड़बड़ा जाएगी, आ जाइए अब यहाँ पे, दूसरे के बर्बादी में कितना मजा आ रहा है सबको, हाय रे। इसमें जो है ध्यान देना, अच्छा समझिएगा, ये कौन एनालॉगी क्लासिफिकेशन लगाए हैं, ये एनालॉगी है, सुनिएगा। एनालॉगी और क्लासिफिकेशन, कल चर्चा किए थे क्लासिफिकेशन का थोड़ा सा, एनालॉगी भी उसी पर, एनालॉगी मतलब समानता होता है, जैसे कि आदमी का पैर से जो संबंध है तो वही बिल्ली का किससे संबंध होगा। अब आदमी कंफ्यूज है कि बिल्ली का पैरवा बोलेंगे कि आगे वाला हाथवा बोलेंगे, बिल्ली का पंजा होता है, ये सब जानकारी आपको होना चाहिए। बात समझ में आया, आदमी घर में रहता है उसी प्रकार शेर कहाँ रहता है, फर्स्ट ऑप्शन जंगल, जंगल कितने आदमी का आंसर है, आदमी दुनिया में है, अगर जंगल जानवर को जंगल करिएगा तो आदमी दुनिया में है, लेकिन आदमी जब घर में है तो शेर मांद में रहता है, शेर कहाँ रहता है, मांद में। और इससे पिछला एग्जाम में हम बोले थे कि आपको एग्जाम में पूछा गया था कीट का, तो कीट एनालॉगी वाले में ही कीट का तितली होता है जो इसमें है, पिछला भी पढ़ा चुके थे, पता नहीं लगाया कि नहीं लगाया भगवान जाने, तो याद कर लेना, रट्टा मार लेना, क्योंकि जितना हम बताएंगे उतना तो है, लेकिन कुछ आपको भी नॉलेज रहना चाहिए। एनालॉगी और क्लासिफिकेशन में आपको जीके जीएस का नॉलेज होना चाहिए, जो हमको नहीं है,
समझ में आ गया? मैथ्स होना चाहिए जिसका नॉलेज हमको नहीं है। हम रटे हुए हैं, हम रट लिए हैं, क्योंकि हमको एग्जाम थोड़ी देना है, एग्जाम तो आपको देना है। अब बहुत कुछ नहीं भी बताया जाता है फिर भी आदमी सीख जाता है, समझ रहा है? बात है ना, किसी ऐसा चीज भी होता है जैसे क्लास नहीं होता है लेकिन समझ जाता है आदमी। अगला चीज आइए, जीके जीएस मैथ्स और इंग्लिश, ये भी होना चाहिए आपको, जो हमको नहीं आता है, मतलब रीजनिंग छोड़ के सब चीज है इसमें। तो ये चैप्टर हम काहे पढ़ाएंगे? ए रुको रुको, मोबाइल कहाँ है इसका? मोबाइल हाँ ले गया है, दिखाई है मोबाइल, दिखाई उसी का है ना? ठीक, और कोई मोबाइल था? ठीक है, वहां से देखो तो जाके है ना। चलिए, दूसरा मोबाइल है, चलिए बर्दाश्त, अभी हो गया, तीन चार गाली मैसेज में आ गया होगा, इसलिए अभी दिल पे पत्थर लेके बेचारा निकल गया, नहीं तो नहीं निकलता ऐसे में तो क्लास में। हाँ अभी पत्थर, तभी तो इतना मेहनत करके निकला है, ऐसे निकल सकता जी? नहीं निकल, अभी तीन चार गाली पड़ गया होगा है। अभी सर भी बोल रहे हैं, हम सर का क्लास देख रहे हैं, सर भी कह रहे हैं तीन चार गो है। अब छोड़ दो, अब छोड़ दो, मोबाइल देख के गया है, अब यहाँ पे आ जाओ। इस प्रकार के बहुत आना जाना हो रहा है। चलिए अच्छा, अब हो गया ना। देखिए एक बात बता देते हैं, अपने आप पे हंसवा के भी जो आप लोग हंसते हैं ना, तो ये हम लोग करते हैं पढ़ाने के लिए, इससे रियल लाइफ को कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा लड़का है, कोई दिक्कत नहीं है। भेज दिया है? हाँ नहीं नहीं ठीक है, सोच रहे हैं दिन भर जो है हम लोग देखो एक ही ड्रेस में रह जाते, ये लोग तीन चार ड्रेस चेंज करके भी क्लास लेते रहते हैं, मतलब बैठे रहते हैं वहाँ, वहाँ बैठना बहुत इरिटेशन वाला चीज है, बहुत मेहनत करते हैं। आगे बढ़िए, ध्यान देना, आने दो लोग को। इस प्रकार के प्रश्न के अंतर्गत दो वस्तुओं के संबंध पर विचार करना होता है, इसमें दो वस्तुएं जो आपस में किसी प्रकार से संबंधित होती है, वैसा ही दो और वस्तुओं का संबंध को तय करना, मतलब दो रिलेशन आपको बता देगा वैसा ही दो रिलेशन आपको ढूंढना है। बस समझ में आ गया? अब आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्या है कि उस विकल्प में ऐसा विकल्प ढूंढना होता है जिसे प्रश्न चिन्ह मतलब क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा, वो रखने पर पहले का दूसरे से संबंध हो। इसमें आपको तीन प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना प्रकार का? तीन प्रकार का, एक होगा न्यूमेरिकल संख्या पे आधारित, दूसरा होता है लेटर पे आधारित, और तीसरा होता है वर्ड पे। तो इसमें जो है ये समझो एक नंबर तो देवे करेगा एग्जाम में, लेटर वाला कम भी दे लेकिन ये देगा, लेकिन ये भी देता है, मतलब ये आपके एसएससी लेवल का जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लासिफिकेशन एनालॉजी 6 नंबर खींच देता है, अगर कोई बिहार पुलिस या जो एस्टेट वाला सीटेट वाला वो है टीचर वाला, या सीएचएसएल अगर कोई कर रहे हैं, और आपका कौन सा है, हाँ ये सब वाला जो है ना, इसमें समझो 6 नंबर यही खींचेगा अकेले अकेले, क्लासिफिकेशन और एनालॉजी एकदम, एमटीएस भी, एमटीएस जो लोअर में जितना है सारा, जबकि सीएचएसएल भी है 10+1, 10+2 पे, तो उसमें भी। तो इसको आपको ज़्यादा फोकस करना है, जीके जीएस का जानकारी आपको रहना चाहिए, नहीं तो दिक्कत करेगा। जैसे क्वेश्चन का एग्जाम्पल में देखो, ये न्यूमेरिकल है, हाँ ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल में आ गया, मतलब मैथमेटिकल टाइप का, कि 5 का 25 तो 6 का क्या, ठीक है, आप क्या किए, 5 का स्क्वायर किए, 5 25 25, तो 6 का भी स्क्वायर करेंगे तो 36, मतलब ये बात समझ में आ गया क्वेश्चन किस प्रकार का होता है, इतना आसान नहीं देगा, ये आपको समझाने के लिए है। बात समझ में आया? लेवल इधर उधर जाएगा कि नाना पटेकर ऐसे, मतलब हम देख लेते हैं तो अचानक ऐसे हो जाता है, हम तो कुछ बोले ही नहीं, मेरा निशाना देख रहे हैं, ऑरेंज टी शर्ट, हाँ
ये नहीं, चश्मा वाला तेरे बगल में। हाँ हाँ, कौन सी कह रहा था कान में रे? कान में की कह रहा था? कोई बात नहीं, चले ध्यान देना, जिंदगी है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे इसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन। आजकल ये थोड़ा सा ट्रेंड में चल रहा है, समझना बात को। लो हमको छोड़ दिया, बनाने लग गया। अभी क्वेश्चन नहीं है जी, क्वेश्चन आएगा लंबा चौड़ा, अभी बात को समझो। आजकल के डेट में इस प्रकार का क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है। कहने का मतलब है, कहने का मतलब है 12, 20 और 28 जो इस तीनों में कुछ भी संबंध होगा वैसा ही किस में होगा? डी में। 7, 15 और 23। चलिए यहां एक चीज देखिएगा, 12 प्लस 8 करते हैं तो 20, अब 20 प्लस 8 किए तो 28। इतना क्लियर है? अच्छा ये चलिए, ये तो 3 अब 15 कितना हो गया, 3 में कितना जोड़ेंगे? 3 अब प्लस 12 किए तो 15, अब 15 प्लस 12 करेंगे 8 होगा ना? नहीं होगा, ठीक है तब कोई बात नहीं। तो ये वाला तो नहीं हुआ। अब ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ पे कंफ्यूजन है। 18 से 27 तो 7 2 9, क्लियर है? आज हम लोग टारगेटे लिए थे थोड़ा सा विष्णु जी को, इसलिए थोड़ा सा इनके साथ में मस्ती चल गया। पीके सर और हम दोनों मिल के टारगेट लिए थे। पीके सर का शादी होने वाला है, तो उस दिन जो ऑनलाइन में जो बच्चा उठा के दिखाए थे उन्हीं का था ना मेरा एक वीडियो भेज देगी जिसमें वो क्या तो कॉन्फिडेंस के साथ बोले हैं कि ये मेरी बेटी मुंह मिलता है कि नहीं। उस दिन तो बड़ा कॉन्फिडेंस से बोले थे, आज उस वीडियो से भेज दें अगर तो बड़ा बवाल हो जाएगा। इसके बदले हमको कुछ मिल सकता है ना, पार्टी वार्टी, ब्लैकमेल किया जाएगा पीके सर को। हम बोल दिए हमरा ना बुलाइएगा शादी में, तो मेरा सिस्टम अलग है। दारू वारू पीते नहीं है, लेकिन पिएंगे उल्टी कर देंगे जाके। तू अपने कहने हम एकदम काट देंगे, कल्हे काट लाकर बोले ले लीजिए ले लीजिए, ठीक। नहीं बुलावे ना तो बस बिना बुलाए चले जाओ, दोस्त है ना, चले जाओ। उसके बाद जब नहीं बुलाया तो क्या सोच के नहीं बुलाया कि मतलब इंसान अच्छा नहीं, तो हम इंसान नहीं अच्छे। आज तक मेरा एक दोस्त है, उनके घर हम नहीं जाते हैं क्योंकि अभी तक ढूंढ रहा है हमको, बताए ही थे कहानी। अरे मेरा गलती नहीं था, हम तो थम्सअप दिए थे उसको ले जाके, और कौन कमीना दोस्त थम्सअप में कुछ और डाल दिया था। हमको लगा गर्मी लग रहा है तो इसको पिला दे तो दूल्हा को, हम पिला दिए, वो भी खुशी खुशी पी लिया। बाद में तो शुरू हो गया, लड़की चेंज है, दिया में शादी नहीं करेंगे, आग प्रज्वलित करो। हम देख लिए कि इसको चढ़ गया है भाई, फेरा लेना है तो अपने कहता था देखो दो फेरा हम लेंगे, दो में तुम आगे आओगी। लड़कियों देख रही कौन पियक्कर से शादी होगी। बाद में वो लोग एनालिसिस किया कि पिलाया कौन था, तो बाद में वीडियो में आ गया कि यही घुस के दे रहा था बोतल से। लेकिन मेरा गलती नहीं था, अभी भी हम कह रहे हैं हमको नहीं पता था उसके अंदर है क्या, लेकिन हम बोल दिया कि नहीं आना भाई मेरे घर, बेइज्जती हो जाएगा। 27 में 9 जोड़े 72, नहीं मतलब ये भी नहीं। अब एक चीज देखिए, 18 में कितना जोड़ेंगे? 30, 2 और इधर कितना हो गया, मतलब 12 जोड़ेंगे 30, अब 12 इसमें भी जोड़ेंगे तो 42 तो हो ही जाएगा। तो ऐसा ही नजर आ रहा है क्या? नहीं, आ तो रहा है 12 12 में, आ तो रहा है, लेकिन यहां प्लस 8 किए तो 15 और प्लस 8 किए तो 23। अब क्या होता है, ये इसलिए दिया जाता है आपको, इसका रीजन है कि अगर आप बना रहे हैं एग्जाम में, आपको जैसे ये मिलेगा वही टिक करके निकल जाइएगा, क्योंकि आप क्या है ओवर कॉन्फिडेंस में है, ये मिल गया बना लिए। अब अगर मान लो ये नहीं रहता, ये नहीं रहता ऐसा ही कुछ होता, तब तो मेरा आंसर वही हो जाता, लेकिन ये है इसलिए मेरा आंसर ये जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो जब भी बनाए अगर आंसर मिल जाए सेम मिले तो ठीक, अगर उल्टा पुल्टा मिले तो अगला भी चेक कर लेना। हाँ
नहीं मिलता जुलता, अगर वो नहीं रहेगा तब, अगर वो दे दिया तब तो गड़बड़ ना है। चलिए अब मान लो दुल्हन भाग गई तो मिलता जुलता साली जो होगी उनसे शादी हो जाएगा आपका, लेकिन दुल्हन है तो फिर उसी से ना होगा। अभी अभी हाल में वो घटना सुने थे, गया था शादी करने। ये किसका एग्जाम्पल है? लेटर का। वो नंबर का था, ये लेटर का है। अब यहां पे देख रहे हैं ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, याद है ना? ठीक, तो जिस प्रकार से ए का जेड आया है तो सी का एक्स होगा, बी का वाई होगा, ए का जेड होगा। क्लियर है? बात समझ में आ गया? चलिए तो यहां एक्स वाई जेड मेरा किस में है भाई? बी में। ये सिर्फ समझाया जा रहा है अभी। अब देखो जीएस घुस गया, लेकिन इसको कहते हैं वर्ड कोडिंग। इसको क्या बोलते हैं? वर्ड कोडिंग। घुस क्या गया इसमें? जीके जीएस, कि इस ट्रॉफी का संबंध टेनिस से है। तो वाकर कप किससे है तुम बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, खत्म, तुम बोलो, खत्म, तुम बोलो छटकी। हाय रे बा, ए तुम बोलो रे, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कौन? नहीं खत्म ना। चलिए लड़की में कोई? अच्छा है, हमको लगा सब लड़की गड़बड़ हो जाएगी। गोल्फ से है, किससे है? अभी लड़का लोग गूगल सर्च कर रहा है भीतर भीतर, कितने आदमी किए सही सही बोलना। नहीं कुछ लड़का तो किया, कितना आदमी गूगल सर्च मारा था ना, समझ में आता है। पीछे कैमरा लगा हुआ है, याद रखिएगा, अगर आप लोग मोबाइल सर्च करते हैं या मोबाइल सर्च करते हैं तो पता चल जाएगा, समझ में आया कि नहीं? हाँ चलिए आगे में, नहीं कोई नहीं देखता, कुछ ही हाथ में ऐसे करो, ठीक है, ऐसे से नहीं करिए, दिक्कत हो जाता है। अरे बहुत ऐसा चीज है कि बर्दाश्त नहीं होता, बहुत बड़ा बड़ा आदमी भी रिक्शा वाला से भी मांग लेता, थोड़ा सा दीजिएगा, अब दे भी देता है। कबूतर शांति का प्रतीक है। मिल गया? ठीक है, कबूतर शांति का है तो श्वेत ध्वज जो है आत्मसमर्पण का। श्वेत ध्वज जो है जब लहराते हैं तो किसका प्रतीक होता है? आत्मसमर्पण का। बहुत आदमी ताज और सिर कर देता है, जो करता है उसके लिए बोल रहे हैं, इसलिए तो सबका रिजल्ट नहीं होता है, वहां रुकता है कि नहीं रुकता है, तो माइनस में माइनस मार्किंग यही हो जाता है। अब यहां से हमको लगता है नेक्स्ट खेला ओरिजिनल शुरू हो, नहीं अभी नहीं। रविवार का शुक्रवार से जो संबंध है वही संबंध बुधवार का किससे? सोमवार। देखो रविवार का शुक्रवार, तो रवि के बाद सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्रवार, पांच। हाँ तो नॉर्मली करिए, बुधवार तो बृहस्पति शुक्र शनि रवि और सोम, सोमवार से। बात समझ में आ गया? कोई प्लस फाइव किया, लेकिन हम बेसिक बात बताएंगे, हाथ से जोड़ लो, बात खत्म है। क्लियर है? आए उतना काहे दिमाग लगाना है अभी हमको, वो कैलेंडर जब पढ़ाएंगे तो समझा देंगे, क्योंकि अभी जो ये तो नॉर्मल है, इसे नॉर्मल ही करिए ना, क्या दिक्कत है? कैलेंडर जब पढ़ाएंगे तो सब बता देंगे एक के बार में कैसे निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन पे स्टार्ट नहीं, किस किस प्रकार से क्वेश्चन आता है ये अभी आपका ट्रेलर चल रहा है। कौन वैसाएं जैसे सोम मंगल बुध? वाह पक्का? वाह खतरनाक है आप लोग, समझ में आ गया? कोई दिक्कत इतना में बन जाएगा? अभी क्या क्या चीज देखे इसमें, सबसे पहले नंबर, फिर लेटर और फिर वर्ड। वर्ड में यहां तक में क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया? चले क्लासिफिकेशन में अब है? इसमें अभी 100 क्वेश्चन होगा हमको लगता है। अब यहां से खेला शुरू होगा ओरिजिनल फिल्म, ठीक है? हाँ बस खाली ध्यान रखना, ठीक है, आसान है। अभी ट्रेन स्टार्ट हुआ है, चलना, समझना बात को,
ट्रेन चलना शुरू हो गया तो दौड़ दौड़ के चढ़ लीजिएगा। 19 दूनी 38 और -1 37 तो 26 दूनी 52 होता है -1। मैथ देख लो सही है कि नहीं है, ठीक है। काहे कि इसमें हम इस पर भी भरोसा नहीं करेंगे, अगर एक बार गड़बड़ कर देगा तो पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 68 का 100, ये सही है तो 45 है, जिससे पूछेंगे वही बताना और कोई नहीं बताना। कितना देखते हैं ऐसा नहीं है, और जिससे पूछेंगे बेइज्जती फील मत करिएगा कि हम बेइज्जत होगा, ऐसा नहीं। तुम बता दो 1 2 3, हाँ बोल दो कैसे लेके आए, नहीं ना कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मुख्यमंत्री जी बोलिए आप, उधर वाले में तुम प्रधानमंत्री है, उधर मुख्यमंत्री नहीं पास, आप प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति जी आप बताइए, नहीं राष्ट्रपति का तो कोई वैल्यू नहीं होता है। हाँ नेताजी है, हो क्या रहा है स्क्वायर, ठीक बैठ। 6 का स्क्वायर और 8 का जोड़ दिया, आया समझ में, स्क्वायर करके जोड़ दिया, बस यही करता है ये लोग। और हम लोग को क्यों नहीं बनता उसके पीछे रीजन बता देते हैं, क्योंकि हम लोग इसको और ज्यादा ऊपर का लेवल लेके चले जाते हैं। रीजनिंग में लेवल कम करिए, अगर रीजनिंग में मैथ है, रीजनिंग में इंग्लिश है, रीजनिंग में जीके जीएस है तो जीके जीएस तो जो है वही रहेगा, लेकिन मैथ्स और इंग्लिश अगर रहेगा तो उसका लेवल बहुत नीचा रहेगा, उसको ऊंचाई पे लेकर मत जाइएगा। और पैटर्न को कृपया नोट कर लीजिएगा, 4 चौके 16 5 पचे 25 6 5 11 का 1 41 आंसर हो गया। पैटर्न को नोट जरूर कर ले कृपया करके, जब तक आपके हाथ में पीडीएफ नहीं आता है, नहीं तो ये कल ही भूल जाइएगा कि हुआ क्या। और हम आपको सिर्फ पैटर्न बता रहे हैं, कोई कोई मैथ का जो महाबली सब होगा यहाँ पे वो एक ही पैटर्न में 4 निकालेगा, की विचार आइयो जाए के बाहर, तीनों 1 2 3 पीछे है, घुंघरेला बाल का है उसके पीछे पड़े, बहुत एजेट है वो लड़का, हाँ जो आँख ऐसे से कर रहा है, मुंडी उठाओ ना हम देख रहे तुम, ये घुंघरेला बाल वाले को बोल रहे हैं, ये तुम और इधर तुम दोनों को बर्बाद बीच से कर रहा, तुमको समझ में आ रहा है। हाँ पढ़ाई के बीच में अगर आपको कोई टोकता है या करता है तो समझो उसको आता है, वो आपको सीखने नहीं दे रहा है, समझ में आ गया। चलिए और ये सब प्राणी बहुत होशियार होते हैं। एगो चिबरा बढ़िया एक बार हम देखे थे, कोई पूछा था जो एक तो रीजनिंग वाले हम लोग हैं, लड़का और लड़की का मोबाइल, लड़का लोग का आदत होता है ना एक दोस्त का मोबाइल लेगा ना, रे लो खोल दे रे, ले लेगा लेकिन बहुत मतलब कड़ा लॉक लगाता है, फिर भी वो तरह तरह से खोलने का कोशिश करता है। इसलिए लड़का लोग क्या करता है ना अपना मोबाइल में, जैसे लड़की लोग का मोबाइल है आ इनका कोई नेटवर्क है तो क्लियर नाम लिखा रहेगा, जान क्लियर कॉलिंग आएगा ना, जो हॉस्टल की बात बता रहे हैं जो घर में रहती है वो नहीं जान में तो मारेगा, माए बाप तोड़िए देगा देहात, जो हॉस्टल में रहते हैं ना उनका देखिए, अरे तुम जानू का फोन आ रहा है, तो जानू हार्ट बीट कलेजा धड़कन जो रहे, अब वही चीज लड़का के पास रहे काहे मोबाइल निकाल रहे, नहीं है तो भाई ये गलत बात है, होना चाहिए क्योंकि इस एज में अभी एज सबका जो होता है ना जी, जब एज खत्म हो जाए तब क्या करोगी, अफसोस। मान ले डायरेक्ट जेठालाल मिल गया जिंदगी में, डायरेक्ट कोई ऋतिक रोशन नहीं आया डायरेक्ट, हाँ तो जिंदगी है तो अफसोस करोगी, हे भगवान इसका ऋतिक था, इसलिए जो एज है करिए। बच्चा में मिट्टी खाने का एज था तो मिट्टी खाए ना, हम उल्टा दिमाग का आदमी है बाबू, हम उल्टे चीज सिखाते हैं क्योंकि जिंदगी इतने ठो है छोटा सा, कब मर जाइएगा दोबारा पता नहीं, जन्म लीजिएगा नहीं लीजिएगा, भूत पिशाच बन जाइएगा, कुत्ता बिल्ली किस में जन्म होता भगवान जाने, कौन देखा है कि जन्म होता भी है कि नहीं होता। लेकिन मैटर यह है कि लड़का लोग के मोबाइल में क्या रहता है, लड़का लोग कभी भी जान वान नहीं सेव करता, पेपर वाला, राजू मिस्त्री है, चाय वाला, मतलब ऐसा ही नाम रखता है
कि कभी फोन भी आवे ना कि पेपर वाला, अरे पेपर वाला का फोन है मकान मालिक, ताकि दूसरा दूसरा जो लॉज का लड़का रहेगा वो ना उठाएगा। और कौन रखा है? चलो ठीक, अब आगे आ जाओ तनिठो। 20 का 11 तो 102 का क्या? ये सवाल हम करते हैं मुख्यमंत्री से, बताइए। हमारे क्लास का मुख्यमंत्री बाबू, बिहार का मुख्यमंत्री नहीं समझना, ऑनलाइन है इसलिए बोल रहे हैं जी, बताइए। नहीं, प्रधानमंत्री 49 क्या हो क्या रहा इसमें? तो आंसर कैसे दे दिया, मतलब बिल पास कर दिए। 20 का आधा कितना? 10 प्लस 1, ठीक है, आधा प्लस 1, क्या किया? आधा किया और प्लस 1 किया। 102 का आधा 51, तो 51 हो गया 102 का आधा, अब प्लस 1 किया तो 52। नोट कर लें इसको, जरा याद रखना कि आपको नंबर नंबर एनालॉगी में जो मैथ्स के बाहुबली हैं उनको और भी पैटर्न मिलेगा, लेकिन जो पैटर्न हम बता रहे हैं उसको नोट जरूर कर लीजिएगा कि एक ऐसा पैटर्न हो जाए आधा प्लस 1 भी जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए बढ़े आगे, नोट कर लिए हैं? पैटर्न सिर्फ नोट करो, क्वेश्चन नोट नहीं करना, ऐसे कर लेना 10 नंबर और लिख देना आधा प्लस 1, बस हो गया, इतना ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। कुछ एको गड़बड़ होगा तो क्या करेंगे, ये तो आसान है। हाँ देखिए, 2 × 4 × 2 कितना? 8, तो 5 × 5 = 25 और 5 दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत हो तो बोलना। नेक्स्ट, एक को गलत होगा तो फंस जाएंगे। 3 × 2 = 43, तो 5 का कितना आए? 3 को देखिए, 3 को क्या करेंगे, 3 को 3 × 3 × 3 × 3 × 3 आएगा आपका 243। अब समझ में आया? इतना गुना हमको थोड़े आता, आपको समझना है तो। हाँ तो यहाँ 5 × 5 × 5 × 2 = 4 और कितना? 5। आंसर क्या हुआ? 31 25। किसका स्क्वायर है 31 25? किसका स्क्वायर है? स्क्वायर नहीं है 31 25, 55 का। 31 25 किसका स्क्वायर है कोई बताएगा? हाँ छप्पन का कितना होता है? नहीं होता है। 55 का कितना होता है? 25 5 30। चलिए नहीं हुआ, किसी का स्क्वायर नहीं है, चलिए ठीक है। बोलो, नहीं समझ में आया? समझ में आ गया, जय भाल है, मतलब देखेंगे तब समझ में आता है। इसको 5 टाइम गुना किया है, बात समझे, मतलब 5 × 5 किए 1 2 3 4 5, तब आपको आंसर आ जाएगा 31 25, क्योंकि 3 को 243 कैसे लाया वो देखना है। क्लियर है? 125 का है लिखा है जी, अच्छा स्क्वायर कर रहा है। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे, एफ का। और अभी रुको, हम जिससे पूछेंगे वो बताना, सब नहीं बताना। 1 2 3 तीसरा, एक घड़ी वाला तीसरा को बोलो। हाँ बोलो बुआ, हम जिससे पूछेंगे उनको, बाद में आपसे हम पूछ लेंगे। उधर से कोना में लड़का बताओगे? छे का, छे का क्यूब है, एफ का वैल्यू कितना? एफ का वैल्यू 6, तो ये 6 का क्यूब है,
तो ये हो गया एल का कितना, 12 17 28। बहुत बढ़िया, मैथवा वाला क्वेश्चन में साथ दे देना, बड़ा दिक्कत है। पीके सर का भी शादी हो रहा है, उनका भी मैथ खराब हो जाएगा। आ? हम कल एड्रेस बता देंगे कहाँ जाएगा। और सर बोले हैं कि सबको आना है, हमको ये बात बोले तो सब में तो आप लोग भी आते हैं ना। एड्रेस हम कल में, कल एड्रेस विष्णु एड्रेस कल दे दीजिएगा, तो बारात कहाँ जाना है, कहाँ सिवान की छपरा, सिवान का कौन कौन है इसमें, हे या चल जा, बस सिवान वाला सब पहुंच जा। जब मेरी शादी भी थी, बता देते हैं, तो ये नहीं है पीला वाला ऐसे पहन के जाता है जो, तो ऐसे करके जा रहे थे तो दो तीन लड़की और दो लड़का ऐसे दिखा मुँह, फिर आगे बढ़ा, फिर आगे दे, फिर गाड़ी घुमा के उधर गया उसके, अरे मनीषे सर हैं, हम देखे हम कहा हंसेंगे, वो खराब लगता है उस समय, बड़ा बेइज्जती टाइप लगता है कि नहीं। तो बस इतने खाली कन्फर्म हुआ, बोलने का जरूरत नहीं पड़ा, जितना भी कटिहार का था वो पहुंच गया, सारा का सारा जितना पहुंच, जितना हम, क्योंकि जब बात का वीडियो देखे तो हम समझ गए, अच्छा 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 ये सब तो स्टूडेंट सब है, जितना भी कटिहार का था सब हाजिर हो गया। खैर अब मेरा दूसरा शादी में आओगे, एक के बार ना होता है ब्याह, जो एक बार कर लिया भगवान जाने कैसे लोग दूसरा करने का हिम्मत करता है, एक बार करके तो देखो जिंदगी तबाह हो जाएगा। हाँ खैर वो सब कितना बड़ा बाहुबली होता है, दो तीन को कर लेता है भगवान जाने। सात का 45 तो पांच का कितना, सात छके 42, अब 42 में प्लस 3 तो 45, क्लियर है, तो 5 × 6 = 30, अब प्लस 3 कितना 33, ठीक है, बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत, चलिए क्या क्या बोलो, नहीं यार कोई काम का बात बोलो ना, क्या PDF कब मिलेगा, नहीं अगर आपको कोई अलग पैटर्न आता है तो जरूर नोट कर लें। देखो अभी क्या है इसमें PDF ना, हम सच में हम बता रहे PDF तो है छपा हुआ भी, लेकिन नहीं देंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि आप जब इसको देख रहे हैं तब जितना सेकंड में आपके दिमाग में आ रहा है वही फायदा करेगा एग्जाम हॉल में, और अगर ये पहले दे दिए तो घर में कैलकुलेटर से तहने से वहने से बनाइए लेगा, तो फिर वो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा, तो एग्जाम में भी कैलकुलेटर खोजिएगा, बात समझ में आया कि नहीं। और अभी जो PDF में आपको मिलेगा शायद हम नंबर कोडिंग में या जो सॉरी नंबर एनालॉगी में या लेटर एनालॉगी उससे ज़्यादा क्वेश्चन हम देने वाले हैं, बात समझे कि नहीं, इसलिए तैयार रहिएगा। PDF में कम ही रहेगा, मतलब जितना था उतना तो रहेगा, कम का मतलब भी 100-150 जो रहे, लेकिन उसके बाद और हम एक्स्ट्रा डालेंगे, तो ध्यान दिए जैसे कि CHSL जैसे कि MTS ये सब में जितना प्रीवियस में डाला हुआ सब उठा के आप लोगों को रटवा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पारा पारी जा रहा है, एक बारी है ना, बड़ा मुस्कुरा रहे हो तुम टोपी वाले जी, अच्छा फेनल अबली लगाता है, अभी हम गोरका को बोल रहे हैं, बीच में टोपी वाला है ना गोरा वाला, समझ में आ रहा है, अगला क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, एक बार कभी कभी हम भी जीव ना लेफ्ट राइट निकाल के कोशिश किए आईना में कैसा लगता है, फिर बाद में लड़की लोग तुम लोग कैसे निकालती हूँ, खराब नहीं लगते तुम लोग को, फोटो खींचा लेती जीव निकाल करके, हम लोग के यहाँ तो 283 × 26 हो गया जी, रुको 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 पूछने दो हमको, हाँ आप बताइए सबसे लास्ट में बैठ के आराम से बोले, हाँ हुआ क्या बता सकती हो, नहीं बता छोड़ दो, तुम बताओ जो फर्स्ट में हो, नहीं तुम्हारे पीछे, हाँ
नहीं, जोर दिए, आप बताइए आगे में। ठीक, बहुत बढ़िया। 2+8+3 कितना हो गया? 2+8+3 तो कितना हुआ? 13, और 13 × 2 = 26। तो 1+2+4, 4 × 2 = 6 कितना? 7, और 7 × 2 = 14। पैटर्न सारा लिख लेना बाबू, हम बार बार कह रहे हैं। हाँ बोलिए, टेल मी फर्स्ट। रहता वाला बात छोड़ दो, रहने वाला बात नहीं लेंगे। मैथ में, रीजनिंग में जो पूछो पूछना, मैथ में हमसे दिमाग ना लगाओ, हम लगावे नहीं करते इसमें दिमाग। हाँ बोलिए, रहता नहीं इसी पे बात करना। हाँ बोलो, आए 13 × 26। आपको इतने याद रखना है कि किस प्रकार से इसको यहां लाया गया है। हो सकता है आपको कोई अलग पैटर्न मिल जाए। मान लीजिए कि आपको जोड़ के नहीं, किसी का रूट निकाल के चाहे कुछ करके एक पैटर्न मिल जाए, तो वही चीज अगर यहां लगाए मेरे ऑप्शन में मिले तब उसको मान्य रखिएगा, और जब भी एग्जाम में रहेगा ना, दो पैटर्न लगने ही नहीं देगा। बात समझे? अगर एग्जाम में पूछेगा, प्रैक्टिस सेट में भले आ जाए, लेकिन एक तो तुम मूछ रखा, ऊपर से टीक में घुमो इधर। हाँ, एक और बांधते रहता है। हाँ तुम नहीं बांधो ना, या तो बांध के आ जाओ, या तो प्रण कर लो ऐसे, जब तक नौकरी नहीं मिलेगा मैं अपना चोटी खुला रखूंगा। चाणक्य रखा था क्या ऐसे? अच्छा ठीक है। हाँ नहीं, प्रण कर लो, समझा? ये सब को आसान मत समझ, ढेरी पैसा कमाता है ये सब। NIT में जो देखते हैं ऐसे ऐसे, ये भी रहता है उसमें, और एक ट्रिप का 50,000 मिलता है। हाँ अब कास्ट मत बताना, कास्ट नहीं बताना, लोग अपना जुगाड़ लगाने लगेगा। चलिए आगे बढ़े। अरे बनारस से पढ़ाते थे स्टूडेंट सब, पंडा सब था, और वो बताता था 16 × 64, 4² 4³, यही ना है? तो 6² 6³, यही ना? 216 ना होगा? ठीक है, मिल गया इतना, कोई दिक्कत तो नहीं? सारा पैटर्न नोट कर रहे हैं ना? ठीक है। अरे तुमको मिल कैसे गया रे PDF? फिर अच्छा पहले वाला, तो पहला वाला अभी तक इतना साफ सुथरा है, उसे बनाए नहीं थे? अच्छा ठीक है, तब चलिए क्लियर हो गया। हाँ इसमें करना ये 4² ये 4³, तो ये 6² और 6³। ठीक है, अब आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। PT का 6 तो NB का कितना? P और T का 6 तो NB का कितना? अब देखो, P का वैल्यू होता है 16 और T का वैल्यू होता है 20। 16 और 20 जोड़ दीजिए 36। 36 6² है ये 6 का, समझ में आया? 36 6 का, ठीक है। N का कितना होता है? 14 और +2, ये 4² है। क्लियर हुआ? दिक्कत इसमें, सारा पैटर्न समझ में आ रहा है, मजा आएगा वर्ड कोडिंग में। नंबर कोडिंग में बड़ा आराम से चलना है भाई। हाँ नंबर कोडिंग होता है झंझटिया। चलिए, 7² 8² 9² तो 10² क्लियर है? दिक्कत नहीं? समझ में आ गया है? और हमको मालूम है टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी एक और, 5 × 7 = 35 और 1 × 36 जाएगा क्या? 5+1 मतलब 6 और 6² हुआ 36। क्लियर हुआ बात? तो इधर 6 है +1 मतलब 7, 7² 49।
तो ये हो गया 49। 49 क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है आपका सी का 16, तो एफ का कितना? ये बना के लेके आना, ठीक है, ये बना के लेके आना। मिला किसी को? नहीं मिला? ये वाला मिला? बहुत बढ़िया, बना के लाइएगा, धन्यवाद। ए नंबर, जा 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 जा।